होने वाली हैं भूल भुलैया और सत्यनारायण की कथा में। कैसे इन दोनों फिल्मों में अलग अलग और हटके होगा कार्तिक का किरदार? आइए इन सभी सवालों का जवाब जानते हैं आज की इस वीडियो में। इसलिए वीडियो को आखिर तक देखना ना भूलें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, बॉलीगार्ड स्टूडियोज में आप सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत। मैं हूं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त मीनाक्षी और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कार्तिक आर्यन की अपकमिंग मूवी के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। अब करण जौहर की दोस्ताना 2 और शाहरुख खान के बैनर तले बन रही फिल्म फ्रेडी से बाहर होने के बाद कार्तिक आर्यन के फैंस काफी चिंतित नजर आ रहे थे। कार्तिक इंडस्ट्री के जाने माने अभिनेता हैं और इसीलिए उनकी फैन फॉलोइंग भी काफी अच्छी खासी नजर आती है। अब ऐसे में बैक टू बैक दो फिल्मों से बाहर हो जाना हर किसी के लिए शॉकिंग होता है। इसके बाद कार्तिक के करियर को लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे। मार्केट में काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं बढ़ गई थी और सारे के सारे फैंस काफ़ी ज़्यादा चिंतित नज़र आने लगे। लेकिन इन सब के बीच एक्टर एकदम खामोश रहे और फिर 23 जून को अचानक से उन्होंने अपनी फिल्म का ऐलान कर दिया। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने अपनी अपकमिंग फिल्म सत्यनारायण की कथा का ऐलान 23 जून को करके सबको शॉक में डाल दिया। फिल्म को साजिद नाडियावाला प्रोड्यूस करेंगे जबकि इसके डायरेक्टर होंगे समीर विद्वांश। समीर का कहना है कि इस फिल्म के लिए कार्तिक ही उनकी पहली पसंद थे। कार्तिक के बिना उन्होंने इस फिल्म की कल्पना ही नहीं की थी। समीर ने एक्टर की जमकर तारीफ की है और उन्होंने उनको बहुत टैलेंटेड एक्टर बताया है। एक इंटरव्यू की बातचीत के दौरान समीर ने कहा, सत्यनारायण की कथा एक बहुत ही यूनिक लव स्टोरी है। ये फिल्म कार्तिक के एक ऐसे साइड को और एक ऐसे टैलेंट को बाहर लेकर आएगी जिसे अब तक ऑडियंस देख नहीं सकी है। कार्तिक बहुत ही टैलेंटेड एक्टर हैं और मैं इस रोल के लिए सिर्फ उन्हीं को चाहता हूँ। आगे बढ़ते हुए डायरेक्टर ने बताया कि मैं बहुत ही नर्वस फील कर रहा हूँ और एक्साइटेड भी, ये जानने के लिए कि ये यात्रा मुझे कहाँ लेके जाएगी। मैंने अपने राइटर करण शर्मा के साथ मिलकर इस फिल्म की कहानी पर पिछले 2 साल से काम किया है। जब मैंने कार्तिक को इसकी स्क्रिप्ट सुनाई तो बहुत एक्साइटेड हो गए। फिर मैंने साजिद नाडियावाला को कहानी सुनाई तो उन्हें भी यह बहुत पसंद आया। यह देखना काफ़ी मोटिवेशनल होता है जब दो बड़े नाम आपके साथ एक लव स्टोरी पर काम करने के लिए उत्सुक होते हैं। आपको बता दें कि समीर विद्वांश का बड़ा नाम है। उनकी फिल्म आनंदी गोपाल को क्लासिक फिल्म माना जाता है। समीर सत्यनारायण की कथा के साथ बॉलीवुड में डेब्यू करने की फिराक में हैं। जैसे सब भूल भुलैया में चुड़ैलों और भूतों के बारे में बताया जाता है, वैसे ही सत्यनारायण की कथा में भगवानों और कैसे लोगों को अच्छे कर्मों का फल मिलता है यह दिखाया जाएगा। ऐसे में ये देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है कि भूतों वाली हॉरर कॉमेडी और सीख देने वाली एक सीरियस फिल्म में से दर्शकों को कार्तिक का कौन सा किरदार ज़्यादा पसंद आता है। भूल भुलैया की तरह इसमें भी कार्तिक एक अलग तरीके की भूमिका निभाते नज़र आने वाले हैं और वह फिल्म में लोगों को अच्छे कर्म करने और गुस्सा ना करने की सलाह देते दिखने वाले हैं। जबकि भूल भुलैया की बात करें तो वह उस फिल्म में अपनी प्रेमिका कियारा को चुड़ैल के चंगुल से बचाने की पूरी कोशिश करते नजर आएंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि कॉमेडी करने वाले और रोमांटिक कॉमेडी जैसी फिल्मों में नजर आ चुके कार्तिक आर्यन इन भूमिकाओं में आएंगे लोगों को पसंद? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब।